जैन साथियों, हम आपके अपने YouTube चैनल दीपक कुमार सिंह उमंग फिजिकल एकेडमी की तरफ से YouTube पे बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था। जो लड़का इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, आप लोग तो मालूम ही होगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है, ग्राउंड पे सुबह और शाम मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर लड़का एक्सीलेंट मारता है। और बहुत ऐसे लड़के होते हैं, मेहनत तो करते हैं ग्राउंड पे, क्योंकि जो लड़के गरीब घर के होते हैं वही सेना का तैयारी करते हैं, तो डाइट अच्छे नहीं लेने के कारण से उनके बैक में प्रॉब्लम आने लगता है, रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगता है, कमर दर्द करने लगता है। और सीनियर लोग का भी कमेंट आता है, जिनका एज 45 प्लस है, उनका तो बहुत ही ज़्यादा कमेंट आता है कि हमें कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसे एक्सरसाइज करके बताएंगे, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को फॉलो कर लिया, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, मेरे बात को विशेष आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस एक्सरसाइज को आपने कर लिया, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। और इस एक्सरसाइज को प्रतिदिन रनिंग करने के बाद करना है। अगर 3 महीने लगातार आप करते हैं एक्सरसाइज को, तो आशा नहीं, पूरा विश्वास आपको दिलाते हैं कि आपका कमर का दर्द, रीढ़ में जितना भी प्रॉब्लम रहता है, सब गायब हो जाएगा। अगर गायब नहीं हुआ तो इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा कि सर, आपने जो भी एक्सरसाइज बताया, हमने एक्सरसाइज किया है और हमारा प्रॉब्लम नहीं हुआ। आइएगा बढ़िया इसी ग्राउंड पे, मैं आपको अपने तरफ से 5 रुपये इनाम दूंगा बस, लेकिन आपको 3 महीने इस एक्सरसाइज को फॉलो। चलिए दोस्तों, आपको 5 एक्सरसाइज करके बताते हैं। पहला एक्सरसाइज आप देखिएगा, आप कहीं पे भी ग्राउंड पे या घर पे आप क्या कीजिएगा, लेटिएगा एकदम आराम से, घबराना नहीं है, लेट जाना है पूरा ऐसे। ये जो 2 है ना, ये 2 अपने तरफ खींचना है, ये जो 2 है अपने तरफ पूरा अंदर तरफ खींचना है और लेट जाना। नज़दीक आइए, नज़दीक से बताइए, पूरा अंदर खींचना है और हाथ को पीछे ले जाना है, पीछे ले जाना, और ये थोड़ा सा कमर के पास ऊपर करना है, फिर धीरे 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 डाउन करना है, हाथ भी ले जाना है धीरे धीरे, आराम आराम से, कोई घबराहट नहीं, धीरे धीरे ले जाइएगा 1, फिर धीरे धीरे ये 2 को अंदर खींचिएगा, हाथ को ऊपर ले जाइएगा, कमर को थोड़ा सा ऑफ करना है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा ऑफ करना है, हाथ को भी पूरा पीछे करना है और 2 को अंदर खींचना है, फिर धीरे धीरे डाउन, फिर अप, फिर डाउन, अप, डाउन। देखिए दोस्तों, ये पहला एक्सरसाइज है, आपको ये वाला एक्सरसाइज 1 मिनट करना है। दूसरा एक्सरसाइज आपको क्या करना है, लेट जाना है, ऐसे लेटना है, ये हाथ को क्या करना है, ऐसे करना है, और ये वाला जो हाथ है, सॉरी, ये वाला जो पैर है, आपको ऐसे ले जाना है, अगेट को इधर करना है और हाथ को भी इधर करना है, फिर लेफ्ट वाला पैर इधर करना है और गर्दन इधर करना है, ऐसे ही करना है, चेंज करना है, ऐसे गर्दन इधर, पैर इधर, गर्दन इधर, पैर इधर, गर्दन इधर, पैर इधर। ये आपका दूसरा एक्सरसाइज था, आपको इस एक्सरसाइज को भी 1 मिनट करना है। और तीसरा एक्सरसाइज क्या करना है, आपको ये जो 2 है, 2 को पूरा अंदर खींचना है, पूरा अंदर खींचना है, 2 को पूरा अंदर खींचिए, और पूरा ऐसे होना चाहिए, पूरा स्ट्रेचिंग होना चाहिए, पूरा यहाँ पे तनाव आ रहा है, देखिए नज़दीक लाइए, इसमें देखिए पूरा तनाव आएगा आपका, पूरा तनाव आएगा पूरा, देखिए। और इसको हाथ को पूरा ऑफ करना है और नीचे डाउन करो, ऐसे करना है, टच करना है, फिर ऑफ ले जाना है, फिर डाउन करना है, फिर ऑफ करना है, डाउन करना है। इसी तरह आपको इस वाला एक्सरसाइज को भी 1 मिनट तक करना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए दोस्तों, उसके बाद से
चौथा एक्सरसाइज इस तरफ पुशअप पोजीशन बनाना है और देखिए ऐसे जाना है, ऐसे पूरा गर्दन को ऐसे करना, आगे से दिखाइए, पूरा ऐसे जाना है, पूरा ऐसे होना चाहिए, पूरा कमर में जोड़ पड़ेगा आपको ऐसे जब कीजिएगा तो, फिर ऐसे ऐसे जाना है पूरा पीछे, फिर ऐसे पूरा ऐसे पीछे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस एक्सरसाइज को भी करना है आपको। लास्ट एक्सरसाइज आपको क्या करना है, लास्ट एक्सरसाइज आपको पूरा ऊपर करना है, पूरा ऊपर, पूरा ऊपर करना है, हाथ को नीचे लाना है और इसको पकड़ना है, पकड़ कर डाल टच होना चाहिए, आपका जो सिर है टच कीजिएगा, आपका प्रेशर पड़ेगा रीढ़ की हड्डी पे, उससे क्या होगा आपका दर्द खत्म होगा। फिर हाथ को ऊपर करना है, पांजा पे करना है, पांजा में पूरा तनाव आना चाहिए, नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक तनाव आना चाहिए, पूरा ऊपर करना है, फिर डाउन म्यूजिक लगे। देखिए साथियों, जितने भी एक्सरसाइज आपको करके बताए हैं सारा एक्सरसाइज एक एक मिनट का आपको एक्सरसाइज करने के बाद आपको करना है। अगर आप ग्राउंड पे नहीं आ रहा है, आपके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, आप सुबह में बिस्तर छोड़ने के बाद से थोड़ा सा टहलिए, कम से कम 400-500 मीटर आप टहलिए, उसके बाद से आपका पूरा बॉडी तैयार हो जाएगा। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी को वार्म अप कीजिए, उसके बाद से ये एक्सरसाइज को फॉलो करना है। मात्र आप 3 मंथ इसको करते हैं तो गारंटी के साथ आपका कमर का दर्द ठीक होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।